सलमान खान की फिल्म अक्सर ईद पर रिलीज होती हैं, लेकिन अब सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। दरअसल इस फिल्म को लेकर अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि फिल्म का टाइटल बदल दिया जाए। जी हाँ, सलमान खान साजिद नडियाडवाला ये दोनों मिलकर जो है ये कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं कभी ईद कभी दिवाली, जिसका निर्देशन किया है फरहाद सामजी ने। लेकिन अब खबर आ रही है कि किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए इस फिल्म का टाइटल बदल दिया जाएगा। कभी ईद कभी दिवाली, ये फिल्म जो है एक ऐसे परिवार पर आधारित है, एक ऐसा परिवार जो ईद और दिवाली दोनों खुशी खुशी मनाता है। और अगर कहा जाए तो ये भी माना जा रहा है कि ये फिल्म जो है सलमान खान की रियल लाइफ पर आधारित है, जहाँ उनके पिता जो है मुस्लिम, मदर हिंदू और हेलन जो है वो कैथलिक रही हैं। तो उनके घर में हर कल्चर को उतना ही जो है तवज्जो दिया जाता है, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे ही एक परिवार की कहानी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइटल की वजह से एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत ज़्यादा गुडविल के साथ बनाई जा रही है वो कॉन्ट्रोवर्सी में आ जाए। तो अब मेकर्स ये चाह रहे हैं कि इस फिल्म का टाइटल बदला जाए। वहीं मैं आपको बता दूँ, सलमान खान की राधे के बाद टाइगर की शूटिंग खत्म होने हो जाएगी, उसके बाद सितंबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले अब मेकर्स सीरियसली सोच रहे हैं कि इस फिल्म के टाइटल को बदला जाए। हालांकि उन्होंने कुछ 6 से 7 टाइटल शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं और बहुत जल्द मीटिंग के बाद इसका ऑफिशियल टाइटल की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी।